गुजरात में आम आदमी पार्टी के दफ्तर में अहमदाबाद में छापेमारी चल रही है गुजरात के पुलिस की। जिस प्रकार दुर्भावना और द्वेष के कारण केजरीवाल की लोकप्रियता आम आदमी पार्टी के लोकप्रियता से घबरा के फर्जी और झूठे निराधार आरोप आप लोग लगा रहे हैं, गुजरात की जनता एक एक घटना को देख रही है और चुनाव में सूद समेत आपसे हिसाब लेगी। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। पिछले कुछ महीनों से लगातार आप देख रहे होंगे कि एक के बाद एक हमले आम आदमी पार्टी के ऊपर किए जा रहे हैं। कभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल देते हैं, कभी उप मुख्यमंत्री पे सीबीआई का छापा, कभी मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच, कभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के खिलाफ जांच। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट इतनी बढ़ गई कि अभी कल गुजरात में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर छापा मार दिया। आम आदमी पार्टी के दफ्तर पे बिना वारंट के, बिना कोई कानूनी कागज के छापा मार दिया। घंटों तलाशी लेते रहे और जैसा हमेशा आम आदमी पार्टी के साथ होता है, बाद में कह दिया कुछ नहीं निकला, बाद में कह दिया कुछ नहीं मिला। ये छापेमारी क्यों की जा रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? एकमात्र कारण है, पिछले दिनों जो सर्वे गुजरात के अंदर आए हैं, उस सर्वे के माध्यम से यह निकल कर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी आज की तारीख में गुजरात में दूसरे नंबर की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई लोकप्रिय पार्टी है तो वो आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल है गुजरात के अंदर। और जितनी तेजी के साथ आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता गुजरात में बढ़ रही है, बहुत जल्द ही हम लोग नंबर एक की पार्टी वहां हो जाएंगे। बेचैनी इस बात की है, डर इस बात का है कि आज हमारे जो स्टॉल लगते हैं, गांव में जो अभियान चलता है कि आइए फ्री बिजली के लिए अपना कार्ड भरिए, गारंटी का कार्ड, तांता लग जाता है लोगों का। इस बात से बौखलाहट है, इस बात से परेशानी है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं, लोकतंत्र में चुनाव लड़िए, चुनाव में आमना सामना कीजिए, जो भी फैसला होगा स्वीकार कीजिए। ये पार्टी के दफ्तर पे छापेमारी करके, लोकतंत्र का गला दबा के, झूठे एफआईआर करके, झूठे मुकदमे लगा के, झूठी जांच करा के, कार्यालय पे रेड करा के क्या हासिल हो जाएगा आपको? ये किस प्रकार की राजनीति आप करना चाहते हैं? गुजरात के अंदर इस पूरी घटना में सारी फाइलें वाले जब खंगाल ली, कुछ नहीं मिला, हम लोगों ने सवाल किया, भाई दफ्तर पे क्यों आए हो? बोले अभी जा रहे हैं लेकिन फिर आएंगे और फिर बच के रहना, नहीं तो और कार्रवाई करेंगे। पता क्या चलता है, सुबह मना कर दिया, कहने लगे नहीं हम तो गए ही नहीं थे। गुजरात का प्रशासन, गुजरात की पुलिस, गुजरात की सरकार कहती है हमने कोई रेड नहीं मारा, आम आदमी पार्टी के दफ्तर पे कोई छापेमारी नहीं की, और आज फिर छापेमारी शुरू कर दी। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, गुजरात में आम आदमी पार्टी के दफ्तर में अहमदाबाद में छापेमारी चल रही है गुजरात के पुलिस की, इसलिए मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों, गुजरात की जनता
आपको जवाब देगी चुनाव के अंदर। जिस प्रकार का उत्पीड़न आप कर रहे हैं, जिस प्रकार की कार्रवाई आप कर रहे हैं, जिस प्रकार दुर्भावना और द्वेष के कारण केजरीवाल की लोकप्रियता, आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से घबरा के फर्जी और झूठे निराधार आरोप आप लोग लगा रहे हैं, गुजरात की जनता एक एक घटना को देख रही है और चुनाव में सूद समेत आपसे हिसाब लेगी। मुझे इतनी बात कहनी थी, आपके कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको ये दिखा सकता हूं, ये अभी मुश्किल से थोड़ी देर पहले ही वहां के इशुदान जी का ट्वीट है, तो ये इशुदान का ट्वीट है, वो भी आप देख सकते हैं। इस तरह की कार्रवाई लगातार करते जा रहे हैं लोग, और जैसे ही कल अहमदाबाद में अरविंद केजरीवाल जी का आगमन होता है, पुलिस की छापेमारी होती है, ये सब दबाव की टैक्टिस है, प्रेशर बनाने की टैक्टिस है। और जो डिनायल है सरकार का और प्रशासन का, उसके कारण से अभी हम लोग वो तमाम साक्ष्य भी थोड़ी देर में आपके सामने, आज या कल तक उसको भी सामने करेंगे, सरकार और बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश करेंगे। देखिए, पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि टेंट के अंदर स्कूल चलते थे दिल्ली के, और बहुत सारे एरिया तो ऐसे थे जहां पे लोग खुलेआम कहते थे हमारे बच्चे टेंट वाले स्कूल में जा रहे हैं। आप सारे लोग जानते हैं इस हकीकत को। और जहां पे टेंट वाले स्कूल थे, वहां पर दिल्ली सरकार ने आलीशान स्कूल खड़े की, एक बेहतरीन इमारत खड़ी की बच्चों के पढ़ने के लिए, बेहतरीन स्कूल बनाया। आप दिल्ली सरकार के स्कूलों को देखिए, उनकी सुविधाओं को देखिए, और नगर निगम जहां 15-16 साल से बीजेपी है, उनके स्कूलों को देखिए। आप दिल्ली सरकार के स्कूलों को देखिए, और बगल में नोएडा है, गाजियाबाद है, वहां यूपी सरकार के स्कूलों को देखिए। अभी यूपी में हमने अभियान चलाया सेल्फी विद सरकारी स्कूल, आपको हैरानी होगी, कहीं बच्चे लैट्रिन साफ कर रहे हैं, कहीं झाड़ू लगा रहे हैं, कहीं नमक रोटी खा रहे हैं, कहीं सूखा भात खा रहे हैं, कहीं छत गिर गई, कहीं पंखा गिर गया। हजारों स्कूल की फोटो वीडियो हमने सोशल मीडिया पर डाला है, देख लीजिए क्या हालत कर रखी है बीजेपी ने। तो इसलिए दिल्ली सरकार का कार्य शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय है और पूरी दुनिया में उसकी तारीफ हो रही है। भारतीय जनता पार्टी बच्चों को अनपढ़ रखना चाहती है, दुर्दशा ग्रस्त स्कूलों में रखना चाहती है, और ऐसे बदहाल स्कूलों में रखना चाहती है जहां पर उनको नमक रोटी खाने के लिए दी जाती है। तो ये सच्चाई है, इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। धन्यवाद।